बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की अपडेट में हम आपको ये बताएंगे कि क्या ईद उल अज़हा के दौरान महकमा पासपोर्ट के जो दफ्तर हैं वो खुलेंगे या नहीं। जी हाँ, ईद उल अज़हा के दौरान महकमा पासपोर्ट के दफातर जो है वो खुलेंगे या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि रियाद रीजन में अल रुमाल का दफ्तर सपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक जुम्मा को 3 ज़िलहज से जुमेरात 9 ज़िलहज तक काम करेगा। जी हाँ, और सहारा मरकज जो कि लेडीज का सेक्शन दफ्तर है वो रोजाना दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक हफ्ता 4 ज़िलहज से जुमेरात 9 ज़िलहज तक खुला रहेगा। और मक्का मुकरमा में रीजन में रेड सी मॉल में महकमा पासपोर्ट का दफ्तर सपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक जुम्मा 3 ज़िलहज से लेकर बुध 8 ज़िलहज तक काम करेगा, जबकि अल तहलिया मॉल में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक जुम्मा 3 ज़िलहज से बुध 8 ज़िलहज तक खोला जाएगा। नाज़रीन आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि अल सैफी माल में सपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक जुम्मा 3 ज़िलहज से बुध 8 ज़िलहज तक काम करेगा। तो महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरी नए पासपोर्ट में तौसीह के बाद अबशर के जरिए डाक से पासपोर्ट हासिल करा सकते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि ईद उल अज़हा की ततिलात के दौरान पासपोर्ट ऑफिस सिर्फ ऐसे मामलात ही निपटाएंगे जो अबशर सिस्टम या ऑनलाइन ना हो सकते हो। अगर किसी को अबशर के जरिए किसी काम में रुकावट पेश आ रही हो तो अबशर पर जाकर अल रसाइलो तलबात सर्विस के जरिए रुकावट हल करा सकता है। अगर अल रसाइलो तलबात भी जो है वो ऑनलाइन उससे भी जो है आपके मामलात निपटाए नहीं जाते तो आप जो है महकमा पासपोर्ट के तमाम दफातर जो है नाज़रीन खुले हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वहां जाकर अपनी दरख्वास्त, आपको कोई भी मसला है वहां जाकर आप बता सकते हैं। नाज़रीन उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नाज़रीन हमारा मकसद यही होता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जो है वो न्यूज़ लेकर आना। जो सऊदीया की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी, तो इसीलिए हम लेकर आते हैं कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो, इससे फ़ायदा हो सकता है, तो इस वजह से हम आपके साथ जो है वो न्यूज़ शेयर करते हैं। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें मेरे प्यारे बहन और भाई, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप अच्छे कमेंट करते हैं तो दिल से खुशी होती है, तो अच्छे कमेंट करें। बैड कमेंट जो है वो करने वाले तो वो खुद ही जो है लोग अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, बैड कमेंट को अवॉइड करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है आपसे मिस ना हो। तो अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।